कुछ कंटेंट नहीं अपने पास, इन घरों का ग्रूमिंग करना है, मुझको कॉलेज जाना है और फिर आके एग्जाम देने, कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम है तो बना लिया। तो अभी हम लोग कॉलेज में आ गए हैं और आज है मेरा एग्जाम, ओरल टेस्ट। तो वो देने के बाद अपने जाएंगे घर पे। मेरी केटी की एग्जाम है, उसकी भी केटी की एग्जाम है। तो हम लोग फिर मैं जाऊंगा घर पे, घर पे जाके शैडो का ग्रूमिंग करना है, वो ग्रूमिंग करेंगे अपने। और कैसे मैं ग्रूमिंग करता हूँ शैडो का और चार्ली का वो बताते हैं। चार्ली का भी नहीं करेंगे, चार्ली को हम लोग कोई प्रोफेशनल ग्रूमर के पास ही ले जाएंगे, वो उसके बाल काट दे इसकी वजह से। बाकी तो मेरे को नहलाना तो आता ही है भाई, जिसना ही है ना अपने को, सो ऐसा कुछ है नहीं। तो चार्ली को खाली उसके बाल कटाने, इसलिए अभी नहीं नहला रहा मैं। एक दो दिन में उसको लेके चलेंगे, उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। अभी मैं आपको हमारी कॉलेज और हमारी लैब्स दिखाता हूँ। हमारी लैब ये बीकॉम वाले हैं, हम साइंस वाले हैं। तो दिस इज द व्यू। अभी हम लोग एग्जाम में है, एग्जाम दे रहे हैं। तुषार को भी बहुत आ जाता है। एक बार मलका ना तुषार, हमारे सर लोग को लगता है कि हम लोग पढ़ के भी पास नहीं हो सकते, तो इसलिए हमको और आधा घंटा दिया है पढ़ने के लिए कि तुम पढ़ लो। इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि हम लोग कितना अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो अभी ये गूगल पे ढूंढे जा रहे हैं सारे क्वेश्चन। सो हम लोग शैडो को नहीं नहलाएंगे आज, क्योंकि शैडो को भी ग्रूमिंग में ले जाना है और इसको भी लेके जाना है। तो वो चार्ली ज्यादा गंदा हो रखा है, आप देख सकते हो। चार्ली और उसकी मतलब हेयर भी सारे रफ हो चुके हैं, तो इसलिए चार्ली को ही नहलाएंगे, शैडो को नहीं नहलाएंगे। शैडो को खाली कॉमिंग कर देंगे, वो दिखा सकता हूँ मैं तो आपको, दिखा दूंगा। चार्ली नहीं देखना, वो चार्ली अभी वो कुत्ती के पीछे दौड़ेगा, देखना देखना। ए शैडो चला गया उधर, देखा कितना हराम है ये बंदा, कितना खराब है ये, देखा। फट्टू अब आ जाएगा, चल 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 मार है, चल आ गया अभी वापस। चलो 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 गुड बॉय, कमा कमा। तो ऐसे मैं खुला ही रखता हूँ इनको ज्यादातर, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं पसंद कि उनको मैं बांध के रखूँ, सो दैट्स व्हाई मैं खुला ही रखता हूँ। शैडो भी अभी अंदर है झाड़ियों में, अभी निकल आएगा। चल कम यहाँ, ये चार्ली ऐसा ही है, सबके पीछे दौड़ता है वो। और मैं भी आ गया था कॉलेज से कब का, लेकिन उसके बाद मैं सो गया था, तो भी देखते हैं। कालू भाग गए, ये कुछ भी करता रहता है यार हमारा, है ना। हमको पागल कुत्ता मिल गया ऐसा लगता है कभी कभी। ऐ बच्चा बजाओ, नो। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको पागल बच्चा मिल गया है, तो गंदे में जा रहा है वो। छोड़ो, वैसे भी इसको नहलाना ही है अभी, थोड़ी देर में इसका कॉमिंग है ना जैसे, और शैडो का भी करने ही वाला है कॉमिंग अभी, तो भी मैं घूमने दे रहा हूँ। और दिस इज लाइक ऐसा एकदम, वो एकदम लाड़ प्यार से मत रखो, रखना तो ऐसे रखो कि लाइक थोड़ा बहुत वो लोग नेचर से मिले, और ऐसा ही सोचा हूँ कि लाइक ऐसे रखो। आलू अभी भी आ गई है बाप, देखना अभी इसको बोलूंगा ना कि अटैक, तो जाके सीधा उसके पीछे दौड़ेगा। ना चल अभी जा। सो ये है कमांड, लाइक आपने अगर उसको कमांड दी तो वो रुक जाना चाहिए वहीं पे, वो भागते नहीं रहना चाहिए किसी की भी डॉग के पीछे। और ये ट्रेनिंग की वजह से ये सारी चीजें हैं कि लाइक आप ट्रेन कैसे कर रहे हो, आप पहली बात तो आप रख कैसे रहे हो अपने डॉग, समझ रहे हो, मैं कैसे रखता हूँ, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें हैं कि लाइक एक बार बोलो तो आ जाना चाहिए वो, कहीं से भी एक्स वाई जेड उधर कोई भी चीज हो, कहीं से भी वो डॉग आपके पास आ जाना चाहिए। चल चलो लेट्स गो। ऐसे कितना भी एक्साइटेड हो, ब्लैक पैंथर जैसा दिखता ना शैडो, देखा दिखा था शैडो, देखा कितना भारी दिखता है यार ये। सो अभी ऊपर चलते हैं, चार्ली को नहला देते हैं और शैडो को कॉमिंग करनी है वो कर देते, बने रहो। तो चार्ली का भी ग्रूमिंग स्टार्ट है। तो मैं ना लाइक दो टाइप के ब्रश यूज करता हूँ, पहले ये स्लिकर ब्रश बोलते हैं जिसका, जो ड्रेड हेयर बोलते हैं, जो निकलने होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। आफ्टर दैट अगर इससे मैं जितना भी कोमेंगे और जितने भी उसके हेयर फुल हो रहे ना, तो वो सारे हेयर्स निकाल लेता हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ ये वाली कॉम, ये स्टील कॉम बोलते हैं जिसको, जो स्मूथनेस के लिए लाइक स्मूथ कर देती है हेयर्स को, लाइक दिस इज व्हाट दे वर्क। अभी नहीं होगी, पहले हमको ये करना पड़ेगा प्रॉपर, और वो भी एक उल्टी साइड पे, मतलब लाइक ऐसे उल्टा मारना है आपको,
तो जो उसका जो कोट है ना, शेडिंग कोट, वो पूरा इसमें आ जाएगा। देखो ये पूरा शेडिंग कोट है, सो ये पूरा कोट उसमें उल्टा आ जाएगा। हमेशा बात के पहले, लाइक कभी भी आपको अपने डॉग को बात करवाना है तो बात के पहले यू हैव टू कॉम देम लाइक प्रॉपरली, और उसके बाद भी आपको कॉम करना है सुखाते टाइम, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जब भी बात कराओ आप, कोई भी शैम्पू XYZ शैम्पू से फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ इतना है कि आपको अगर कोई भी शैम्पू लगा उसको ट्वाइस दो बार लगाना है। लाइक पहली बार में उसको लगा के ना लाइक 15 मिनट तक छोड़ दो उसको पूरा शैम्पू वाला करके, एंड देन उसके बाद वापस उसको रिपीट करो, और जो वो जो लगाया था वो धो के उसके बाद वापस एक बार रिपीट करो शैम्पू एकदम हार्डली, मतलब एकदम पानी डाल के थोड़ा डालो अंदर से, एकदम निकाल दो, मत करो बिकॉज ऑफ कि जो अगर शैम्पू अंदर रह गया ना तो उसको स्किन डिजीज लाइक फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फिर स्किन डिजीज बहुत सारी हो सकती है। शैम्पू रह जाएगा तो ड्रेड स्किन हो जाएगी, मॉइस्चर होने लगेगा, और उसकी वजह से जो फंगल फैलेगा वो बहुत गंदा फैलता है फंगल। तो मैंने तो ये चीज़ें फेस की है शेडो के वक्त, क्योंकि शेडो का एक बार हुआ था, मेरे से गलती हुई थी, आई एक्सेप्ट इट, बट उसके बाद से लाइक मैं प्रॉपर ध्यान देता हूँ तो ही मैं बात करवाता हूँ। अगर मेरे पास 4-4.5 घंटे हैं शेडो को बात करवाने के लिए तो ही मैं बात कराता हूँ। डार्ली का क्या है, उसमें 2 घंटे मतलब चले ही जाते हैं, देखो दोनों में 3-3 घंटे आई गेस चले जाते हैं। शेडो के बाल कम है लेकिन फिर भी उसका जो लाइक उसकी बॉडी है वो बहुत बड़ी है, शेडो वीडियोस में छोटा दिखता है, बाकी वो जो एज ए लेबराडोर कंपेयर टू लेबराडोर बहुत जाइंट साइज है, लेकिन इसके पीछे तो मेरे को 1-1.5 घंटा कंफर्म निकल जाता है इसको सुखाने में। ये वाले जो देखो देखो बाल निकल रहे हैं, दिस इज ड्रेड हेयर्स, जो उसके फॉल होने वाला, जो हेयर फॉल होने वाला होता है ना वो इसमें आ जाता है। तो ये चीज आपको करनी ही है, हमेशा बात के पहले एक बार आपको उसको कॉम करना है, कोई भी डॉग हो आपके पास। हाँ ये हैरी डॉग्स के लिए, लाइक जिसके हेयर्स नहीं है, लाइक जो ब्रीड डॉबरमैन हो गए, फिर बॉक्सर्स हो गए, अमेरिकन बुल्ली हो गए, पिट बुल्स हो गए, ये काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है चीज। लेकिन उनके लिए अलग से शेटर जो स्लीकर ब्रश है वो अलग से आता है, जो सॉफ्ट वाला आता है ऊपर, ये वाले हार्ड वाले तो ये के लिए है कि ये बॉडी के अंदर तक जाए, वो सॉफ्ट वाले नहीं जाएंगे इसकी बॉडी में, बिकॉज ऑफ कि हेयर ग्रोथ इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन सॉफ्ट है चार्ली का हेयर मेरे हिसाब से, लाइक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से। जो बड़े हेयर वाले ब्रीड्स है लाइक ये शिट्ज़ूज हो गए, लासा एप्सो, देन फिर बहुत सारे पैकनीज साउचा हो गए, एंड ये सारी ब्रीड्स जो अफगान हॉर्न्स है, मैंने देखा ना कि उनके ज्यादा हेयर लॉस नहीं होते कंपेयर टू लैब्राडोर, ग्रेट डेन्स, और ये जो छोटे बालों वाली ब्रीड है लाइक बीगल हो गए, बीगल और लैब्राडोर माय गॉड इज ज्यादा हेयरफुल होते हैं ना उनको, कि पूछो मत। अभी अपने चार्ली का ये करते हैं पूरा, कॉपी उसका ग्रूमिंग का है, एंड देन विल टॉक। और अभी तो आप ब्लॉग ही देखो, नहला दिया इसको, अभी ड्राई करना है, और ड्राई करने से पहले ना मैं ये मैन मतलब ह्यूमन की जो सीरम है वो अप्लाई करता हूँ उसकी पूरी बॉडी पे, एंड देन आफ्टर उसको थोड़ी देर अपने रिलैक्स करने देते हैं। और अभी ये ड्रायर अपना, तो ड्रायर से उसको लाइक कभी मैं चालू करूंगा ड्राई करना, एंड देन आपको एकदम जो उसका लास्ट लुक है वो दिखाते हैं। अभी चार्ली नहा चुका है, तो जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप अपने डॉग को स्पा कर रहे हो घर पे तो डॉग बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं, थोड़े लाइक वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि लाइक ऐसी कोई भी ट्रीट लेनी है, मैं जर हाई की जो ब्लूबेरी वाली स्टिक्स है वो लेता हूँ, तो उनको भी मैं उसको भी मैं दूंगा, तो वो इतना हैप्पी हो जाएगा कि आदत आप उसको अभी से लगा दोगे ना अपने डॉग को, तो आगे जाके वो डॉग अभी भी लाइक ग्रूमिंग के लिए आपको ना नहीं बोलेगा, वो एकदम कम्फर्टेबली वो करवा लेगा ग्रूमिंग। अभी हम लोग इसको ट्रीट्स देते हैं ना। Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. And if you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. सो आप देख रहे होगे लाइक थक के चूर हो गया मैं, तो नहलाते नहलाते, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग, आगे भी ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे। दिस इज द डे स्पेंड विद चार्ली, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू सो मच। चार्ली बाय, बाय चार्ली।